ईदगाह हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दीवार को बाज़ शरपसंद और गैर समाजी अनासर ने नुकसान पहुंचाते हुए पुरमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। ईदगाह की कमेटी की इतला पर मुतल्लिका मजलिसी रुकन असम्बली की हिदायत पर मुकामी इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदारों ने इलाके का दौरा किया और पुलिस से शिकायत करते हुए इस काम को रुकवा दिया। मंदिर के लिए रास्ते के सिलसिले में इस दीवार को तोड़ा गया, इससे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। ताहम पुलिस की बरवक्त मदाखलत से इनको रोक दिया गया और इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के साथ साथ रिवेन्यू हुकाम को भी चौकस किया गया। मुकामी अफराद ने ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ पुलिस से शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सारे डैमेज हुआ ना, फिर करने दो, करने के बाद इमीडिएटली जो है ना उसके हिसाब से बाउंड्री लगा लेते हैं लोग। मसला नहीं है साहब, ये लोग सर्वे सेट करने दो, हम भी मट्टी तो नहीं डाल रहे थे, मगर हम स्ट्रिक्टली बोल देंगे यहाँ पर कोई मत आओ, उनको भी बोल दीजिए रोक लेंगे, एक चार दिन जो भी टाइम ले रहे हो। वहाँ भी काम कुछ भी नहीं चल रहा आपकी तरफ से, सर्वे के दिन आपके आपकी तरफ से चार आदमी, उनकी तरफ से चार आदमी आके सर्वेयर रहते, ये लोग रहते हैं और हम भी रहते हैं, वो क्या है सर्वे कर लेते हैं, बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं, उसके हिसाब से ठीक करते, रास्ता नहीं मिलेगा रास्ते क्या, हम लोग करना चाह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर लेते हैं। तो मैं सर को भी कॉल कर दिया था, ऊपर भी करा सर को, करा तो अच्छी बात है। हम लोग ऑफिशियल्स को कॉल करें और सबको जितने भी लोग आ रहे थे उनको भी सुविधा देकर बोलिए रुक जाओ, यहाँ पर कोई आने की जरूरत नहीं। एमएलए साहब भी जो है ना आज शाम तक आया था, मैं बीजापुर में है, तो ऑन दी वे है, तो आगे बाद एक बार बैठ के अपन जो भी है अपन पीसफुली खत्म करिए। सुबह यहाँ पर जो है ना अवलिन सातों में यहाँ हकीम शाह बाबा दरगाह के पास जो हमारी हकीम शाह बाबा ईदगाह है बिल्कुल उसके बाजू जो है ना चंद नीचे की बस्ती के चंद जो है ना गैर अनासिर लोग जो फिखा परस्त का माहौल जो है ना जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर आकर जो है ना ईदगाह की बाउंड्री वाल को जो है ना सुबह अवलिन सातों में जो है ना आकर जे सी पी लगाकर डैमेज करें और उसको पूरा तकरीबन जो है ना तोड़ दिए। जैसे ही यहाँ पर के निगरानकार को उस बात की इतला मिली तो फौरी तौर पर यहाँ के ईदगाह की कमेटी को इतला दिए, ईदगाह की कमेटी जो है ना एमएलए साहब को इतला दिए, एमएलए साहब मुझको हिदायत दिए तो मैं यहाँ पर स्पॉट पे आया, तो हम लोग इमीडिएट जो है ना पुलिस को कंप्लेंट करें तो पुलिस भी जो है ना बर वक्त यहाँ पर मुदाखलत करी, तो काम रुकवा दिए, जे सी पी वगैरह रुका दिए, तो चंद अनासिर जो है यहाँ पर नीचे जो मंदिर का रास्ते के लिए जो है ना ये दीवार तोड़े हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस की जो है ना बरवक्त मुदाखलत से यह मसले को जो है ना यहाँ पर थमा दिया गया है। और यहाँ पर चंद लोग हैं जो माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बरवक्त इतला मिलने के बाद यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में यह काम को रुकाया गया, जे सी पी को भी भेज दिए गए और हम वक्फ बोर्ड को भी इतला दिए, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पर और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी आ चुका है यहाँ पर, पूरे लोग आए हैं, पूरे लोग उनको रुका कर जो भी यहाँ पर ये काम करेंगे हम उनके खिलाफ़ जो है ना ईदगाह की कमेटी से कंप्लेंट देंगे और उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। ये लोग जो है ना बार बार एक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ के आला पुलिस के आला अहदेदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो भी किए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की बर वक्त मुदाखलत से यहाँ पर जो है ना काम रोक दिया गया। शुक्रिया।